हेलो एंड वेलकम टू द लॉ प्रैप ट्यूटोरियल. इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो इन द फेब्रवरी मंथ फॉर द करंट अफेयर विद द जीके सेगमेंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट 2020 अ फाइव टारगेट सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्विकली शेयर कर देंगे ससन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एंड ससन को लाइक करना बिल्कुल हमारा भूलना नहीं है हमको इस स्ट्रैटी को हमने थ्री सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया वी हैव डिवाइडेड द स्ट्रेटी इन द थ्री सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्ट्रैटजी फॉर द ड्रॉपर्स जो ट्वेल्थ के बाद एग्जाम को दे रहे हैं हमारा ड्रॉप लेकर के एंड देन वी विल डिस्कस द स्ट्रैटी फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स दैट इज डूइंग दैट आर डूइंग कोचिंग ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद दैट हम नेक्स्ट uh, में बात करेंगे हमारा कोचिंग फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स बट जो कि डमी स्टूडेंट्स हैं स्कूल नहीं जाते उनको कैसे चीज़ों को फॉलो करना है स्कूल हमारा कोचिंग विदाउट स्कूल वो क्या रहेगा इस स्ट्रेटी को हम डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर द ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स को क्या करना है तो so, पहला पॉइंट हमारी स्ट्रेटी के अंदर जो आएगा दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न बट ये सबको फॉलो नहीं करना है ये ओनली उन स्टूडेंट्स को फॉलो करना है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे हमारा इट मीन्स कि एलेवंथ में एग्जाम नहीं दिया था और या ट्वेल्थ में एग्ज़ाम नहीं दिया था आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ही आप क्या है प्लान कर रहे हो कि हम एग्ज़ाम देंगे हमारा पहले आपने एग्जाम को देखा ही नहीं कि पैटर्न कैसे होता है तो ओनली फॉर दोस्त टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटजी हमारा फॉलो रहेगा कि आपको बेसिक पैटर्न देखना है जिसने अर्लियर ट्वेल्थ में एग्जाम दिया था या एलेवंथ के साथ एग्ज़ाम दिया था उनको ये नहीं करना उनको वो ऑलरेडी अवेयर है हमारे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या और एग्जाम के पैटर्न के लिए आप ट्वेंटी या ट्वेंटी वाले पार्ट को कवर अप कर सकते हो और इस पर सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है कि प्रीवियस हमारे ईयर के ओवरऑल जो पेपर्स है उसको कैसे एनालाइज करें वो आप यूट्यूब पर आराम देख सकते हो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट थिंग जो आप सबको फॉलो करनी दैट इज़ रीड न्यूज पेपर ऑन द डेली बेसिस द हिंदू पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या कोई भी और पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूज पेपर पढ़ो बट आपको एक न्यूज पेपर को फॉलो करना है आई विल सजेस्ट द हिंदू और यू कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो बट डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो करने वाले बट कोई एक फॉलो करना है मल्टीपल न्यूज़पेपर पेपर कोई हमारा कॉलअप करने की रिक्वायर्ड नहीं है कि ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट चीज़ें सेम होती है इसके अंदर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है ओनली आपको हमारा एक पेपर लेकर चलना है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस उसको फॉलो करना है एंड अच्छे से कवर अप करना है थिंग्स को न्यूज़ पेपर हमारा डेली रीड करोगे तो यू विल बी अवेयर बाई ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक इसके साथ एक चीज़ आपको और करनी है कि आपको टॉपिक वाइज न्यूज़ बनानी है नोट्स शॉर्ट में बनाने है फ्रॉम द न्यूज़ पेपर ओनली अराउंड न्यूज़ पेपर के अंदर देखिए ऑन द डेली बेसिस एट टू टेन हमको टॉपिक्स uh, नज़र आएंगे जो कि न्यूज़ में रहेंगे सो so, आप ड्रॉपर हो तो आपके पास इंटायर डे अवेलेबल है सो so, आप एक चीज इसके अंदर करोगे आप टॉपिक वाइज न्यूज़ भी बनाओगे और वो टॉपिक वाइज न्यूज़ भी सेगमेंट्स में डिवाइड करनी है आपको कैसे जैसे इमेजिन करो कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया जो इंटरनेशनल से बिलोंग करता है हमारा दो टॉपिक आ गया है तो दो टॉपिक की एकदम बिल्कुल सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास में कोई न्यूज आ गई जिसमें गवर्नमेंट स्कीम uh, थी कोई एंड कोई एक स्कीम इसके ऊपर टॉपिक था हमारा तो उसके ऊपर आप सेपरेट नोट्स बना दोगे कोई न्यूज था हमारा दैट इज़ बिलोंगिंग टू द स्पोर्ट्स टू थ्री न्यूज उसकी होगी तो वो एकदम सेपरेट पार्ट रहेगा आपको आप क्या करना है हमारा टॉपिक वाइज नोट्स पर आने ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द करंट अफेयर सेगमेंट कि डेली बेसिस पर जब सेवन टू एट और एट टू टेन टॉपिक न्यूज़ में रहने वाले हैं न्यूज़पेपर के अंदर आप देखोगे कि जब आपने ये पार्ट न्यूज पढ़ा तो उसको आप नोट डाउन कर लो लोगे बाद डेट कि फर्स्ट फैब को हमने ये पढ़ा सेकेंड फैब को ये पढ़ा थर्ड फैब को ये पढ़ा ऐसे आप कंटिन्यूसली कवरअप करते रहोगे इंटायर फैब मंथ में तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीपल टॉपिक्स होंगे और किसी का अपडेट हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज आएगा तो आपको ढूंढने में भी कन्फ्यूज़न रहेगा ऑलरेडी अगर आप डेट वाइज जाओगे डेली बेसिस पर और टॉपिक वाइज जाओगे सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक द रिलेवेंस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़ फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट और अपडेट भी कर सकते हो ईज़िली आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कौन सा कहाँ गया और जब रिवाइज़ करना होगा आपको इंटरनेशनल तो ओनली इंटरनेशनल का पार्ट रहेगा गवर्नमेंट स्कीम तो ओनली गवर्नमेंट स्कीम स्पोर्ट्स रहेगा तो ओनली स्पोर्ट्स साइंस एंड टैक तो साइंस एंड टैक ऐसे सेगमेंट्स में आपको नोट्स बना रहे हैं सिमिलरली रिवाइज़ करना आपको हमारा जनवरी मंथ जनवरी मंथ रिवाइज करना इसका काइंड ऑफ कंपल्सरी थिंग ये चीज़ आप हमारा क्या नहीं कर सकते इग्नोर नहीं कर सकते आगे बढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ डजन मैटर ये कोई हमारा मायने नहीं रखता इस वजह से आपको जनवरी मंथ को रिवाइज़ करना पड़ेगा रिवीजन आपके नोट्स बना रखे होंगे आपने मे बी पॉसिबल ऐसा होगा क्लैट एक्सप्रेस आपके पास अवेलेबल होगी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कि एल के स्टूडेंट्स को क्या करना है अगर वो ड्रॉपर है तो बट आपको रिवाइज करना है हमारा जनवरी मंथ को ये कंपल्सरी वाला पर्टिकुलर पार्ट है और रिवाइज रिविजन जब आप लोगे तो ज़्यादा नहीं थ्री थ्री टॉपिक्स ईच डे आप चूज कर लो फ्रॉम द जनवरी मंथ और आप इजीली उसको कवर कर सकते हो तो क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हो उसके नोट्स बना रहे हो बट आपके पास टाइम अवेलेबल है तो रिवीजन पर्पज़ के लिए जनवरी मंथ को आप आपके जो रिसोर्स अवेलेबल है वो आप थ्री थ्री टॉपिक ईच डे के फॉलो करेंगे तो आपका जनवरी मंथ का रिविजन भी इंटायर कंप्लीट हो जाएगा और मॉक्स देना इज कंपल्सरी भाई जब न्यूजपेपर डेली पढ़ रहे हो रिवाइज भी कंटिन्यूसली हो रहा है तो टेस्ट कैसे हमको पता लगेगा कि आप चीज़ें हमारा कर पाए कि नहीं कर पाए वैसे ही कर पा रहे हो जो एग्ज़ाम की नीड है या नहीं है हमारा तो मॉक देना इस कंपलसरी मॉक आपको देने होंगे फॉर जस्ट दिस पर्पस के कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम करेक्ट पढ़ रहे हैं हमारा जो वे है वो एकदम हमारा करेक्ट है वे टाइप ऑफ प्रैक्टिस के लिए अब बात करते हैं एल के स्टूडेंट्स के लिए एल के स्टूडेंट्स को क्या करना है एल पी टी के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात करें तो उनके पास क्लास नोट्स अवेलेबल है बिकॉज टॉपिक्स हमने ऑन द डेली बेसिस हर पर्टिकुलर डे के अंदर जो भी न्यूज़ में रहता है वो डिस्कस होता है इसके अलावा वीकली सेसन आपके होते हैं जिसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो द हिंदू आपका कवर हो जाएगा वीकली सेसन में थोड़ी छोटी थोड़ न्यूज़ रहेगी हमारा वो कवर हो जाएगा एंड क्लाड एक्सप्रेस भी आपके पास अवेलेबल है इन दैट सिचुएशन आपको इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर हमारा रहना है एंड इन्हीं रिसोर्स को फॉलो करना है क्लैड एक्सप्रेस के अगर आप ड्रॉपर हैं हमारा तो आप एनी पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर और थ्री टॉपिक्स और थ्री और फोर टॉपिक्स आप ले लो एंड थ्री फोर टॉपिक्स से आप रिवाइज़ कर सकते हो जनवरी मंथ को भी तो ये काम आपका यहाँ से हो जाएगा आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं सर कहाँ से करें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी जनवरी मंथ की हमारी क्लैट एक्सप्रेस फैब के इनिशियल मंथ के हमारे वही वीक के अंदर ही तो वहाँ से आपका जनवरी का टॉपिक हो जाएगा आप थ्री फोर टॉपिक्स ईजिली कर सकते हो और न्यूज़पेपर का पार्ट डेली बेसिस पर होता ही है तो ये काम भी आपका हो ही रहा है साथ साथ के अंदर टॉपिक वाइज नोट्स आप बनाएंगे बनाएंगे सेम थिंग है हमारे पास एंड नोट्स जो आपको मिलेंगे वो यहां से आप कवर कर लेंगे वो अपडेट आपको रखना है ड्रॉपर्स को यहाँ से फॉलो ये चीज करनी बस थोड़ा सा फ़ायदा एल पी के स्टूडेंट्स को ये है कि उनको मटेरियल सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ईच एंड एवरीथिंग उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में अगला बर्थडे का पार्ट हमारा कि सर जो स्टूडेंट्स किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग से नहीं बिलोंग करते हैं हमारा सॉरी स्कूल नहीं जाते हैं विदाउट स्कूल विदाउट कोचिंग कर रहे हैं उनको क्या करना है जो डमी टाइप के स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको क्या करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी वही चीज़ करनी है पैटर्न एग्जाम का पैटर्न का आपको आइडिया होना चाहिए कई बार क्या होता है बहुत वास्ट रीड कर दिया वास्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट यू की तैयारी नहीं करनी है तो एक बार आपको पैटर्न का आइडिया होना चाहिए अगर पहले से प्रायर एग्ज़ाम दिया था दैट्स एंड नाइस नहीं दिया था फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम दे रहे हो कोचिंग के थ्रू दे रहे हो लेकिन स्कूल नहीं जाते हो डमी स्टूडेंट हो तो भी आपको पैटर्न फॉलो करना है न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पर रीड करना है अलॉन्ग विथ दैट सेम पार्ट कि टॉपिक वाइज न्यूज बनानी है हाँ समाव थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए कि सेवन टू एट या एट टू टेन टॉपिक अगर न्यूज़ में रहे तो सबके आप नोट्स बना पाओगे इन दैट पर्टिकुलर केस आप थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है ओनली उन पर फोकस करो क्योंकि बाकी ऑलरेडी क्लास पर आपको मिलेगा या क्लास में जो नोट्स बनेंगे वो आप टॉपिक वाइज पॉइंट्स के लिए बना सकते हो बट न्यूज़पेपर इज़ मस्ट काइंड ऑफ थिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से तो फैब के मंध के अंदर न्यूज़पेपर कभी मिस नहीं होना चाहिए और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है स्पेसिफिकली जो हमारे डमी भी है और जो ड्रॉपर्स भी है और इवन थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं स्कूल और कोचिंग दोनों चल रहा है हमारा न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे इन दैट पर्टिकुलर केस जब आप हमारा नोट्स भी बनाने का काम करोगे तो कुछ डाउट आएंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में ट्राई तो करना उसी पर्टिकुलर डे पर उसको सॉल्व कर लो अगर आप एल के स्टूडेंट हो देन वेल एंड नाइस टीचर्स आपके पास अवेलेबल है बट अगर ऐसा नहीं है रैंडम बस ये कोई टॉपिक हमारा देख रहा है यूट्यूब के ऊपर तो आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है आपको डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने होंगे अदरवाइज आपके लिए टफ हो जाएगा आपने न्यूज़ तो पढ़ ली कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया बट बैकग्राउंड नहीं आईडिया है सो वो अपडेट करने का कोई मीनिंग नहीं है न्यूज़पेपर आपको ओनली हमारा अपडेट देगा ईच एंड एवरी टाइम आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा न्यूज़पेपर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं और वेट नहीं करना हमको उस डे का कि बैकग्राउंड कब आएगा तब हम उसको कवर अप कर लेंगे सो so, आप एल के YouTube चैनल पर जाकर भी उस न्यूज की न्यूज़ के बैकग्राउंड को कवर अप कर सकते हो और टॉपिक वाइज जो न्यूज आपको बनानी है आप अगर ओवरऑल टेन टू एट टू टेन टॉपिक्स नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल की भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फाइव टू सिक्स रहेंगे वो कवर अप कर सकते हो बाकी का आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा वो आप करेंगे जनवरी मंथ का रिवीजन आपको भी करना है अगर क्लैट एक्सप्रेस आपके पास अवेलेबल है एल पी के स्टूडेंट हो तो वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है बट क्योंकि आपको स्कूल का भी थोड़ा प्रिपेयर करना रहता है सो यू कैन जस्ट रिड्यूस द टॉपिक कि टू टॉपिक्स हम प्रपेयर करेंगे ऑन द डेली बेसिस जहाँ नॉर्मली अगर आप ड्रॉपर थे तो इन दैट केस आप फोर टॉपिक्स तक कवर अप करेंगे रिविज़न के पर्पज़ के लिए लेकिन क्योंकि आपके पास में थोड़ा स्कूल का वर्क भी रहेगा और टाइम आपके पास कम अवेलेबल है इन दैट पर्टिकुलर केस आपको टू टॉपिक ईच डे फ्रॉम द क्लाइड एक्सप्रेस कर रहा है या जो सोर्स आपके पास अवेलेबल हो फॉर द रिविजन पर्पज ऑफ द जनवरी मंथ वो आपको हर हाल में करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फेबररी मंथ जो पढ़ना है मॉक्स आपको भी देने एंड रीजन वही रहेगा सेम हमारा कि हमको ग्रोथ देखनी है कि जो हम रीड कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट हो रहा है डेली बे बेसिस के जो, जो न्यूज़पेपर पढ़ हमारा पढ़ रहे हैं हम हमारा और जो रिविज़न कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट हो रहा है लास्ट जो मॉक के अंदर अगर कोई टॉपिक जनवरी से था और उसका अपडेट फैब में आया और फैब के अंदर कोई मॉक हुआ हमारा उसमें हमको बेनिफिट नहीं मिला तो कहाँ हम पीछे रह गए वो हमको चेक करना पड़ेगा वंस अगेन फॉर द एल स्टूडेंट्स आपके पास भी वही रिसोर्सेज हैं वीकली वाला सेशन अवेलेबल है आपके पास क्लाइट एक्सप्रेस आपको मिलती मिलती है फर्स्ट वीक और टेंथ ऑफ फ्वेथ तक आ जाएगी नॉर्मली आपके पास लेट टू लेट अगर बात करें एंड क्लास के नोट्स अवेलेबल है सो so, इन्हीं के थ्रू आपको रिवाइज़ करना है थिंग्स को जब आपके पास क्लाइट एक्सप्रेस आएगी तो जनवरी मंथ रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड वीकली एंड क्लास नोट्स के थ्रू आपका अगर समय किसी दिन ऐसा हो गया कि न्यूज़ आप पढ़ तो लिया लेकिन नोट्स नहीं बनाया तो वहाँ से वो थिंग कवर हो जाएगी आपको रिसोर्सेज भी ढूंढने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये हमारा रहेगा किसके लिए स्कूल विदाउट कोचिंग के लिए ना नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट हमारा जो रहेगा वो है स्कूल विद कोचिंग मतलब स्कूल भी जाते हैं सर एंड कोचिंग भी है लिमिटेड टाइम पीरियड है स्कूल का होमवर्क भी करना होगा हमारा एंड सिमिलरली पॉइंट हमारा हमको कोचिंग का भी पढ़ना पड़ेगा तो वो कैसे हम एडजस्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग तो वही है तीनों के लिए पैटर्न पता होना चाहिए अगर आप स्कूल जा रहे हो तो मोस्ट प्रॉबल चांसेस है कि आप फर्स्ट टाइम ही दे रहे होंगे एग्जाम को अगर ऐसा कोई है जिसने पहले दे रखा है दैट वेल एंड नाइस लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस कैसे करना है वो सब वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वो आप कवर अप कर सकते हो इसके बाद न्यूज़पेपर आपको थोड़ा बहुत टफ रहेगा कवर अप करना सो दैट टू पी पर द हिंदू एनालिसिस का सेशन आता है हमारा आप वो कर सकते Because कर हो बिकॉज जब न्यूज पेपर आप डेली बेसिस में पढ़ना स्टार्ट करोगे जीके प्लस अदर्स लीगल रीजनिंग सी आर सब परस्पेक्टिव से सो आपको थ्री आवर्स फोर आवर्स लग जाएंगे ओनली सो इस इन दैट केस अगर शॉर्ट में समराइज आपको करना हो जीके के परस्पेक्टिव के पार्ट से और जानना हो ऑडिटोरियल इज वॉट इज इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल पॉइंट्स वो जानने हमको तो टू पी एम पर यूट्यूब चैनल पर हमारा सेशन होता है वो आप कवरअप करेंगे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि आपको ये थ्री फोर आवर्स सेव कर सके नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक वाइज न्यूज़ जब बनाएंगे वो फ्रॉम द न्यूज़पेपर नहीं बनाएंगे बिकॉज इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा कि हम फ्रॉम द न्यूज़पेपर बना लें अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बना लो या इंटरनेशनल न्यूज़ आया तो उन दो टॉपिक्स पर आप न्यूज़ बना सकते हो इन द शॉर्ट आपको वेल well, बैकग्राउंड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो तो और नहीं भी हो तो और क्लास में तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड होगा ही होगा बट आपको टॉपिक वाइज न्यूज़ के अगर नहीं भी बन पाता है हमारा तो नोट्स जब फ्रेम होंगे आपके जो क्लास में डिस्कस करोगे या आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसको सेग्रेड कर लेना है टॉपिक वाइज बट न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर है समाओ या तो आप खुद कर पाओ तो दैट्स अ वेर नाइस थिंग अदरवाइज 2 पीएम पर इस क्लास के थ्रू एटलीस्ट आपके पास आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड क्या है जरड़ी मंथ का रिवीजन भी आपको करना है जो कि वंस अगेन आप अपने रिसोर्सेज से करेंगे बट क्योंकि स्कूल में जाते हो तो वन टॉपिक ईच डे अगर आपको वर्फ करोगे वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा एक टॉपिक से भी हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा बिकॉज अराउंड अगर क्लैट एक्सप्रेस के अंदर देखें हम तो ट्वेंटी फाइव टॉपिक होते हैं तो आप इजीली क्या कर पाओगे विद इन वन मंथ उसको रिवाइज भी कर लोगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रॉम द क्लैड एक्सप्रेस या कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो वहाँ से आपको वन टॉपिक ऑन डेली बेसिस जनवरी मंथ का रिवाइज करना है अलॉन्ग विद दैट न्यूज़ पेपर कवर अप करना है नोट्स आपको पी तो मिल ही जाएगी न्यूज़पेपर की भी तो वहाँ से भी आप नोट्स अरेंज कर सकते हो और क्लास के अंदर डिस्कस होता है तो वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो मॉक्स आपको देने हैं मॉक्स देने होंगे लेकिन मॉक्स के अंदर कई बार आपके साथ ये पर्टिकुलर पार्ट होगा कि मॉक्स में जब सेवन टॉपिक आए जीके के सो इन दैट केस क्योंकि आपने रिसोर्स लिमिटेड रख रखे थे तो इनिशियली आपको फेस होगा कि अराउंड सेवन में से हमको फोर ही आता है बट इनिशियली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो फोर भी आता है और फोर टॉपिक वही है जिसमें हमने पढ़ा था अगर वो एकदम परफेक्ट चल रहा है थ्री ऐसे भी होंगे जिसमें लगेगा कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं था हमारा तो नो इशूज बंद के लिए चलेगा स्पेशली उनके लिए जो स्कूल विद कोचिंग जा रहे हैं ओनली हमारा वो उन फोर से भी ये ध्यान रखिए कि फोर में तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है उन फोर टॉपिक्स में जो ऑलरेडी हमने इंटायर मंथ में कवरअप किया था प्रायर टू द मॉक उसमें भी कोई मार्क्स कट रहा अगर है अगर वन और टू क्वेश्चन ऐसे हैं देन ओके नोट्स में ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है पर पता लगा वो फोर टॉपिक ही नहीं आते थे इट मीन्स कि चीज़ों को ढंग से हमने नहीं कवरअप किया है तो मॉक में जो आपकी ग्रोथ है वो ऐसे पता लगेगी उन स्टूडेंट्स को जो कि स्कूल है विद कोचिंग कर रहे हैं एल के स्टूडेंट्स को क्या करना है देखो सेम थिंग आपको जो रिलाय करनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट एक्सप्रेस को कवरअप करना है टाइम नहीं है इतना कि द हिंदू पढ़ पाए ऑन द डेली बेसिस फॉर द जीके सी आर लीगल एंड कंपरसी परस्पेक्टिव से तो जीके के पार्ट के लिए ओनली क्लैट एक्सप्रेस आपको करना है और टू टॉपिक ऑन द डेली बेसिस करने हैं इतना तो आप कर ही लोगे आई थिंक सो इसमें से तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सिमिलरली वीकली सेशन जो होता है हमारा वो भी आपको कवर अप करना वीकली सेशन आपका एवरी मंडे होगा जो कि आप इजीली देखते हो इसके अंदर इंटायर वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है वो कवर करना है और उसके बने बनाए नोट्स मिलते हैं आपको आपको कुछ नहीं करना है बस माइंड में आपको अपने पास लेकर रख लेना है और उसको याद करना है ये आपको करना है तो आपको नोट्स मेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी बस उसको अरेंज कर लेना टॉपिक वाइज जो स्टूडेंट हमारे स्कूल विदाउट कोचिंग जा रहे हैं क्लियर इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर थिंग जो करनी है हमारा वो ये चीज़ को मस्ट फॉलो करना है अगर आप न्यूज़पेपर खुद कवर अप नहीं कर पाते क्लास नोट्स डेली बेसिस पर रिवाइज करने कंपलसरी है बिकॉज आपके पास टाइम अवेलेबल कम है अराउंड थ्री टू फोर्थ आप स्कूल में ही रहते हो हमारा है ना थ्री और फोर के अराउंड तो इस वजह से फिर क्लास में आओगे या फिर आप ऑनलाइन फॉलो करते हो दैन इन दैट सिचुएशन आपके लिए टाइम कम अवेलेबल है तो क्लास में जो कवर अप किया है वो पॉइंट वीकली सेशन एंड हमारा क्लैट एक्सप्रेस इस चीज़ को फॉलो करना है इस तरह से हमारे ये तीन अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे इनको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है फॉर द मंथ ऑफ फेबर आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेशन में ड्रॉप करिएगा ना वी विल मीट इन सेशन। टिल देन राम राम दुआ सलाम जय हिंद जय भारत